आज हम हैं नेपाल में और नेपाल से हमारी बस की राइड शुरू होने वाली है। पटना के जो पटना के बिहार की राजधानी है वहाँ तक जाएगी और बस सेवा है। और इसकी फेयर की बात करें तो ये फेयर है 1300 रुपये इंडियन और 2100 रुपये नेपाली के हिसाब से इसकी फेयर आता है। और हमने दो सीट लिया जिसमें से एक ही सीट हमें प्रॉपर मिला और निकल चुके हैं हमने पटना की राइड के लिए। और फिलहाल टाइम हो रहा है 7:00 हो रहे हैं और बोर्ड करते हैं। और खाने के लिए कुछ नहीं मिला है, भूख तो लगी रही है, अब पानी वानी है, बट सफ़र का अंदाज लेते हैं कैसा रहता है ये सफ़र काठमांडू टू पटना। एयर रूट थोड़ा सा अच्छा है जो हमारे बस ड्राइवर और अलग अलग बस के ऑपरेटरों ने बताया कि ये जो बस है इतना ज़्यादा बिजी बस नहीं होती है, बट सीट भी खाली नहीं होती है, ये भी सुन लो। और चलते हैं इस बस को अनबोर्ड करके और देखते हैं बस में हमें कैसे सीट मिलती है बैठने के लिए। चलिए मेरे साथ चल के देखिए कैसा है बस। बिहार जाने की बस में कुछ इस तरह के पानी रखा रहता है और कट्टे कट्टे पे सामानें होती है और हमारे पास सीट नहीं था, सीट पूरी हाउसफुल थी। एक सीट संदीप को दे दिया था जो ये सीट है और मेरे लिए फिलहाल ये सीट है थोड़ी देर के लिए। अल्टरनेटिव पे चेंज कर करके मोबाइल सॉकेट दे दिया होता है और कट्टे के कट्टे भरे रहते हैं इस बस में क्योंकि ये बस बिहार जाती है, इससे प्रूफ होता है। फिलहाल सुबह हो चुकी है, सुबह के 7:30 और हम पहुँच चुके हैं रक्सौल बॉर्डर पर, जो जिस बॉर्डर से हमें नेपाल से एग्जिट होना था और जहाँ रात की सफ़र हुई थी। अप्रॉक्सीमेट 8 से 9 घंटे लगे और मुश्किल से मुश्किल 200 किलोमीटर था, बहुत ट्रैफिक था, वन वे रूट होने के कारण बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई थी। और हमारी बस जो थी ये थी मार्को पोलो बस और ड्राइवर भी गजब के थे, लेकिन थोड़ी सी दिक्कत क्या हुई, हमें एक स्टूल मिला था और एक सीट मिला था तो थोड़ा सा कंजेस्टेड होता है। रक्सौल जब हम नेपाल इमिग्रेशन पे पहुँचे तो नेपाल इमिग्रेशन ने विदाउट कोई कागज़ केवल आधार कार्ड या जो भी वर्चुअल आई कार्ड होता है या हार्ड आई कार्ड, पासपोर्ट हो गया, वोटर आई कार्ड हो गया या नेपाल की जो आरसी होती है वो देखा, अदरवाइज कुछ भी नहीं चेक किया। और सबसे बड़ी बात बताऊँ, इंडिया में घुसा तो इंडिया ने मेरे टैग देख लिया, जो मेरा बैग पर टैग लगा हुआ था वो दुबई मुंबई देन मुंबई दिल्ली तो और देन दिल्ली, तो यहाँ के तीनों टैग हटाया नहीं था किसी ने, मेरे को भी ध्यान नहीं रहा। और उस टैग को देखने के बाद इनको थोड़ा सा शक हुआ तो मेरे से पासपोर्ट मांग लिया। पासपोर्ट पे इनको मैंने दिखाया तो पासपोर्ट पे देखा तो कह रहे हैं स्टैंप का इशू, स्टैंप लगा हुआ है। मैंने बोला भाई हमने स्टैंप लगवाया नहीं है, ये मेरा दुबई का स्टैंप था। तो ज़्यादा कुछ इशू नहीं हुआ। और चेक इन करने के बाद कुछ किलोमीटर चलने के बाद एक पेट्रोल पम्प आया था, पेट्रोल पम्प पर होल्ड करके फिर पेट्रोल का फ्यूल लोड की जा रही है उस बस में। और यहाँ से मेरी जर्नी ना मुश्किल से मुश्किल 180 किलोमीटर है, बट फिर भी ऑन हाईवे 180 किलोमीटर। और फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है। यहाँ से अभी थोड़ी देर में बस हमारी नाश्ते के लिए रुकेगी, रात में खाने के लिए रुकी थी, इतना घना जंगल सा था कि मतलब अपने को वीडियो शूट करने का कोई वो नहीं हुआ। और अभी मुश्किल से कुछ किलोमीटर बाद 10-20-50 किलोमीटर बाद नाश्ते के लिए रुकेगी, फिर देखते हैं क्या है बिहार का नाश्ता। बिहार का नाश्ता तो आपने बहुत सारे वीडियो में हमारे देख रखा है और इस बार फिर देखते हैं क्योंकि बिहार के हम हैं पूर्वी चंपारण रक्सौल मोतिहारी मुजफ्फरपुर और के रास्ते पटना को जाएगी ये बस। पटना से बोधगया को भी जाती है लेकिन ये पटना तक लास्ट जाएगी क्योंकि कोविड के सिचुएशन के कारण इस बस को होल्ड कर दिया गया ओनली पटना तक। फिलहाल मोतिहारी से निकलने के बाद हम पहुंच चुके थे मुजफ्फरपुर में अभी टाइम हो रहा है 11:30 और यहां से पटना अप्रॉक्सीमेट 2 से 2.5 घंटे लगते हैं। और अभी हमें हाजीपुर में ही डिवोर्ट करेंगे बस को क्योंकि हमें निकलना है छपरा वाले रोड पे और पंखा चल रहा है बहुत ज़्यादा, हवा आ रही है। मैं दिखाऊँ यहाँ का जो व्यू है, ये भाई हमारे साथ काठमांडू से आया था और ये भाई ड्राइव करके पूरा काठमांडू से इंडिया में आए। और ये बस जो चलती है काठमांडू से निकलती है और ये इंडिया में बिहार के राजधानी पटना में आती है और पटना से ये बोधगया को जाती है। बोधगया कोविड के सिचुएशन के कारण बंद किया गया है, कोविड में बोधगया नहीं जा रही है बसें। और मैं अभी दिखाता हूँ बिहार की रोड, कुछ अच्छी रोड देखने को मिली हमें पीछे, जो NH 26 या 27 था, फुल्ली 4 लेन की रोड थी, स्पीड मीटर सब कुछ, स्पीडोमीटर सब कुछ लगा हुआ था। और ये है हमारे बिहार के रोड।
कुछ इस तरीके का रोड है अभी जो सिंगल वे ही है मे बी, क्योंकि अभी हम यहाँ से हाईवे पे जाएंगे और वो हाईवे हमें डायरेक्ट हाजीपुर हाईवे से जो पटना हाईवे से कनेक्ट करती है। और इस बस के किराए की बात करें तो कुछ ज़्यादा भी कॉस्टली नहीं था, अप्रॉक्सीमेट 400 किलोमीटर की जर्नी थी और इस जर्नी में अप्रॉक्सीमेट 1300 रुपये का फेयर आया था। और नेपाली में बात करें तो 2080 के आसपास, 2040 से 80 के डिफरेंस में आ रहा था और ज़्यादा की किराया नहीं है। और इंडिया वाले बस में बहुत ज़्यादा किराया था, 2500 रुपये इंडियन करेंसी थी, बट अच्छा था, सफ़र अच्छा रहा। और हम ज़्यादातर पूरे स्टेशन को ड्रॉप नहीं कर रहे, 10 किलोमीटर पहले ही हम डिवोट कर देंगे इस बस को, और क्योंकि हमें फिर जाएंगे जाम में फंसेंगे फिर रिटर्न आना है, तो इसीलिए इस बस को हम 10 किलोमीटर पहले ही डिवोट कर देंगे। फिलहाल डिवोट कर चुके हैं, ये रही बस और निकल जाएगी अब ये डायरेक्ट पटना के लिए, और पैकिंग हो चुकी है और हम निकलेंगे अब छपरा के लिए। तो ये बस बाय बाय टाटा, मिलते हैं नए ब्लॉग में, मेरा राहुल कुशवाहा आर डी एडवेंचर के यूट्यूब चैनल के साथ।